दोस्तों बिग बॉस हाउस में फुकरे इंसान का टिकट टू फिनाले टास्क जीतने के बाद में फुकरे इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहे हैं। उसका कारण है पूजा भट्ट। दरअसल टास्क हारने के बाद पूजा भट्ट काफ़ी ज़्यादा बौखला गई। वहाँ पर जीत की सब बधाई दे रहे थे तो पूजा भट्ट कहने लगी कि ऐसी जीत किस काम की जो लोगों को गलत बोल के ली गई हो। ये बात फुकरे इंसान को अच्छी नहीं लगी। इतना ही नहीं, पूजा भट्ट ने काफ़ी बार यही बात बोली, डिसऑनर विन, ऐसे ऐसे बहुत सी चीज़ें बोली जो कि फुकरे इंसान को अच्छी नहीं लग रही है। अब जीत के बाद सबने उनको समझाया भी कि छोड़ो अब इन चीज़ों को क्या लेना, लेकिन ना तो पूजा भट्ट की ईगो कम हो रही है क्योंकि हार शायद उनसे सहन नहीं हो रही है, और दूसरे तरफ फुकरे इंसान यानी कि अभिषेक जिया खाना खा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुशन बिग बॉस OTT वाली तरफ में मनीषा और एल्विश बैठे हुए थे। तो एल्विश कुछ समझाता है अभिषेक को, अभिषेक कहता है कि इस खुशी की ना, इस जीत की मुझे खुशी नहीं हो रही है। तो वहाँ मनीषा बोलती कि क्यों, छोड़ना, जो हुआ हो गया, अब क्या फ़ायदा, अब तू इंजॉय कर। तो एल्विश बोलता है कि अब तू उसको रिपीट थोड़ी ना कर सकता है, बोल दिया तो बोल दिया। तो अभिषेक कहता कि हाँ मैंने कितना गलत बोल दिया इस तरीके से, यानी कि वो एक तरीके से मजाक ही बना रहा था इस चीज़ का। हालांकि जीत के बाद जिस तरीके से पूजा ने बार बार टोंट कसा है वो चीज़ अच्छी नहीं लगी किसी को भी। यहाँ तक कि जब टास्क चल रहा था पूजा ने मनीषा को बास्केट तक मारी, लेकिन मनीषा और इनके गैंग ने एक बार भी इस चीज़ के लिए नहीं बोला। दूसरी तरफ जिया ने अभिषेक का साथ दिया टास्क में जीतने के लिए, इसलिए कुछ घर वाले जो दूसरी गैंग है वो नाराज़ है जिया से।